हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। वैसे तो मेरी मोस्टली वीडियोस जो रहती हैं, जो स्टोरीज रहती हैं, जो भी टॉपिक्स रहते हैं, सारे ही रिक्वेस्टेड होते हैं। बट आज का जो वीडियो है, जो स्टोरी है, जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक्चुअली मुझे कई दिन पहले मेल किया था, बट मैंने मेल्स चेक नहीं किए। और फिर उन्होंने मुझे जब यूट्यूब पर कमेंट में बोला तो फिर मैंने मेल जाकर चेक किया। और आज चलिए उनकी प्रॉब्लम पर आपसे बात करते हैं। बट सबसे पहले एक क्वेश्चन कि क्या किसी की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए एज मायने रखती है। अगर आपकी एज 30, 32, 35 या 20, 25 है और आप किसी 40, 45 की लेडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर कोई गर्ल ही अपने से दुगनी उम्र के किसी मेल के साथ, मतलब मेल की तरफ अट्रैक्शन फील करती है, तो क्या वो चीज़ गलत है? नहीं, आई थिंक गलत बिल्कुल नहीं है। बिकॉज देखिए, अट्रैक्शन के लिए कभी भी जो सिर्फ लुक्स है ना, वो चीज मायने नहीं रखते हैं। अट्रैक्ट होने के लिए कभी हमें किसी की बातें अच्छी लग जाती हैं, कोई अगर अनजाने में किसी की केयर कर देता है तो वो चीज उसको, मतलब होता है ना, टच हो जाती है कि हाँ भाई ये मेरी इतनी केयर करता है। कोई किसी की हेल्प कर देता है, और किसी की तो देखिए फेस से ही अट्रैक्शन हो जाती है। तो सेम यही चीज हुई इनके साथ भी। और इनका जो नाम है वो है रवि, और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते हैं। इनकी जो एज है वो है 37 ईयर्स ओल्ड, और 37 ईयर्स के हैं रवि। और इनकी जो बॉस है ना कंपनी की, उनकी जो एज है वो है 45 ईयर्स ओल्ड। बट रवि बोलते हैं कि मुझे अपनी जो बॉस है उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन फील होता है, बिकॉज शी इज़ वेरी टॉल एंड स्मार्ट। उनके जो लुक्स हैं वो एकदम से हाईफाई, एकदम से ब्यूटीफुल लगती हैं। उनको देखकर कोई ये चीज़ बोल ही नहीं सकता है कि उनकी एज 45 ईयर्स है। और देखिए, कंपनी की जो बॉस होती हैं उनका एक रुतबा रहता है भाई, सॉफ्टवेयर कंपनी की बॉस हैं। आखिर उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उनका जो रहन सहन है, उनके बोलने चालने का जो तरीका हो जाता है, वो जैसे कन्वर्सेशन करती हैं सबके साथ, वो चीज कई बार, मतलब जैसे स्ट्रिक्ट भी होना, अगर बॉस स्ट्रिक्ट भी है, बट वो लुक वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है, बहुत ही पर्सनैलिटी जो है वो उनकी एकदम से स्मार्ट वाली पर्सनैलिटी होती है। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं कई बार उनके लुक्स को लेकर अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। तो जो रवि है वो भी सेम यही चीज़ बोलते हैं कि मुझे अपनी बॉस को देखकर बहुत अट्रैक्शन फील होता था, और उसी अट्रैक्शन में कई बार होता क्या था कि जब भी वो अपनी बॉस को देखते थे, उनके साथ साथ कोई मीटिंग वगैरह होती थी, और अगर वो उनके साथ बात कर लेते थे ना, उनके साथ उनकी कोई कन्वर्सेशन हो जाती थी, वो अंदर से एक्साइटेड हो जाते थे। एक्साइटेड होकर, मतलब उनको ये चीज़ जो थी ना, मतलब एक्साइटमेंट लेवल उनका इतना हाई हो जाता था कि अगर उनको अपनी बॉस से ज़्यादा देर बात करनी पड़ जाए, वहीं पर रुकना पड़ जाए, तो उनका जो है वो डिस्चार्ज हो सकता था। बट रवि हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि कभी ऐसा ना हो। और जब भी उनके साथ ये सब होता था, वो किसी न किसी बहाने से वॉशरूम में जाकर मास्टरबेट करते थे, और वहाँ पर जो अपना मन शांत कह लो, अपनी बॉडी को शांत करना कह लो, कुछ भी कह लो, वो कर लेते थे। तो रवि के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। अपनी बॉस की तरफ जो उनका अट्रैक्शन था ना, वो बढ़ता ही जा रहा था, और इसी चक्कर में वो टाइम टू टाइम, मतलब मास्टरबेटिंग करते थे। और ये रवि की एक, मतलब ना, आदत सी बन गई थी कि बॉस से अगर किसी भी चीज़ को लेकर वो डिस्कस करते हैं, किसी भी चीज़ पर वो बात करते हैं, तो उसके बाद उनका जो प्लेजर लेवल है, उनकी जो एक्साइटमेंट है, वो इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि जब तक वो डिस्चार्ज नहीं करते थे, उनका भाई पता ही है दिक्कत होनी ही है। तो एक बार हुआ क्या कि उनके ऑफिस के कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे कॉरियर से, वो रवि के पास आने थे और उनके घर पर आने थे। तो रवि वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट तो कर लेते हैं, बट नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाते हैं ना, वो उनको लेकर जाना भूल जाते हैं।
अभी भूल जाता है भाई इंसान, कोई बड़ी बात नहीं है। और रवि की बॉस जो थी वो भी मतलब स्ट्रिक्ट बहुत थी, एकदम से सबको खींच के रखती थी। ऐसा नहीं है कि भी किसी भी एम्प्लॉय को जो है ढीला छोड़ दिया तो नेक्स्ट डे जब रवि ऑफिस जाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना भूल जाते हैं और उन्हें वो डॉक्यूमेंट बॉस को देने थे। और जब बॉस उनको ऑफिस में बुलाकर बोलती हैं तो रवि बताते हैं कि उन्होंने एक साड़ी पहनी हुई थी और स्लीवलेस ब्लाउज उन्होंने डाला हुआ था और उनको देखकर उनके मन में फिर वही भावनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब रवि की बॉस उससे डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछती हैं तो रवि एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। देखिए कुछ तो उनका अट्रैक्शन लेवल उनकी तरफ इतना ज़्यादा था कि भाई वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। और फिर वही लेडी अगर उनसे क्वेश्चन कर रही है किसी चीज़ के लिए, वो उनको बोल रही है, तो वो फिर एकदम से हड़बड़ा गए थे। उन्होंने सिर्फ यही बोल दिया था अपनी बॉस को कि मैम मैं अभी घर जाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाती हूँ, बट बॉस इतनी स्ट्रिक्ट थी वो खड़ी होती हैं और चार झापड़ वो रवि के मुंह पर लगा देती हैं। और रवि बोलते हैं कि मुझे नहीं समझ में आया कि उनके टच करने से या उनके पास ज़्यादा देर खड़े होने से मेरा जो डिस्चार्ज है वो वहीं पर हो जाता है और मुझे समझ में नहीं आता है। मैं एकदम से ऑफिस से बाहर निकल जाता हूँ और घर जाता हूँ और घर जाकर मैं कपड़े चेंज करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ और मैम को आकर दिखा देता हूँ। तो रवि की प्रॉब्लम यही है, वो बोल रहे हैं कि जैसे ही मैम ने मुझे टच किया, मुझे थप्पड़ मारा, मेरा जो डिस्चार्ज है वो हो गया, तो ये कोई प्रॉब्लम है या कोई नॉर्मल बात है? तो चलिए एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी भी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, कोई आपके माइंड में अगर घुस जाता है तो उस इंसान को आप जब भी देखेंगे ना, उसकी बातचीत से, उसको देखने भर से ही आपका जो अंतर मन है ना, जो आपका माइंड है वो एक मतलब वो सोचने लग जाता है, वो अपना काम करना शुरू कर देता है। बिकॉज आपके अंदर उसके सामने जो बातें हो रही हैं उनसे ज़्यादा जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो बातें आपके माइंड में ज़्यादा चलती हैं कि हाँ भाई मैं इनको पसंद करता हूँ। और आपका जो माइंड है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। आप उनके साथ मीटिंग में हैं, आप उनकी बातें सुन रहे हैं, बट उन बातों पर आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट आपकी जो एक्साइटमेंट है वो इस करके हाई हावी हो जाती है क्योंकि आप उनके साथ, आपका जो मन है ना वो एक अलग चीज़ सोचने लग जाता है और इसी चक्कर में जो आपका एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाता है और फिर आपको ऐसे मास्टरबेटिंग करनी पड़ती है। अगर किसी इंसान को आप देखते हैं उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन नहीं है, आपके माइंड में वो इंसान नहीं घुसा हुआ, बट अगर आप किसी को बार बार देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, देखिए उसी इंसान को देखकर एक्साइटमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आपने देखा और आप उसकी तरफ एक्साइटेड हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है ना, वो आपके दिमाग में, आपके मन में घुस के बैठ जाता है और जब भी आप उसको देखते हैं आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये डिस्चार्ज होना देखिए कोई बीमारी नहीं है, कोई गलती नहीं है। होता क्या है कि अगर आप अपने मन की बात किसी को खोल के बता पाए, आप किसी को ये चीज समझा पाए कि आपको देखकर मुझे वाली फीलिंग्स आती हैं, तो आपके मन की जो बात है ना सामने वाला समझ जाएगा। या फिर आप मतलब उस बारे में अगर उससे बात कर लेंगे ना तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज आपके मन में जितनी बातें चल रही होती हैं, आपके माइंड में जितनी बातें चल रही होती हैं वो आपने बातों से सॉल्व कर ली। बट अगर आप किसी को ये चीज़ बता नहीं पाते हैं तो वो दिक्कत ज़्यादा होती है कि आपको जो आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और इस एक्साइटमेंट में आपके साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और हो सकता है थप्पड़ मारने से, मतलब देखिए आपने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी कि आपकी जो बॉस है वो आपको टच ही करेंगी। आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने आपको प्यार से टच किया या आपको गुस्से से टच किया, आपको सिर्फ उनका टच मिला जिनके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, जिनको देखकर आप बहुत बार मास्टरबेट कर चुके थे, तो उनका सिर्फ टच ही इस चीज़ के लिए काफ़ी था कि भाई आपको ऐसे डिस्चार्ज आपका हो गया। और ये कोई बीमारी नहीं है, देखिए मास्टरबेट करना या ऐसे कई बार डिस्चार्ज हो जाना कोई बीमारी नहीं होती है। इंसान मतलब मोस्टली बॉयज़ का क्या सीन रहता है ना, उनको किसी चीज़ की अगर लत लग जाती है ना तो वो चीज़
खतरनाक होती है। आप किसी के बारे में बार बार सोचेंगे, दिन रात सोचेंगे, उसको लेकर अपने ख्यालों में एक अलग ही दुनिया बसा लेंगे, बट ख्यालों की दुनिया में आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। देखिए, माइंड में जो चीज़ होती है ना, वही हमारी बॉडी को कंट्रोल में करती है। और आपके माइंड में एक सीन चल रहा है अपनी बॉस को देखकर, और फिर उसी में चाहे आपके बॉस ने आपको गुस्से में ही टच कर दिया, आपको चांटे ही मार दिए, पर आपकी जो बॉडी है वो उस चांटे को फील नहीं कर रही है, वो सिर्फ उस चीज़ को फील कर रही है कि इन्होंने आपको हाथ लगाया है। और उसी एक्साइटमेंट लेवल में, उसी थॉट में उनका जो टच करना है ना, वो आपको आपका मतलब ये जो भी हुआ उसका रीजन हो सकता है। खासकर दिमाग में जो बातें घूमती रहती हैं ना, घूमती रहती हैं और आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना। तो मास्टरबेटिंग करना ही गलत है, ना ऐसे डिस्चार्ज हो जाना गलत है। कई बार सोते सोते ये चीज़ें हो जाती हैं, कई बार जागते हुए भी बहुत से लोगों का ये हो जाता है। बस ट्रेन में सफ़र करते हैं लोग, कोई ऐसे भीड़ भाड़ होती है, कोई ज़्यादा आपके टच में कोई फीमेल खड़ी होती है, तो उसकी बॉडी को अगर आप दो चार बार टच ही हो जाते हैं तो भी आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और उससे भी जेंट्स का डिस्चार्ज हो जाता है। बिकॉज मेल की जो बॉडी है ना, वो कुछ ऐसी ही है। फीमेल की बॉडी की बात जहाँ पर करते हैं तो वो अलग होती है। फीमेल इतनी जल्दी एक्साइटेड नहीं होती है। फीमेल का एक्साइटमेंट लेवल और मेल का एक्साइटमेंट लेवल एकदम से अलग है। मेल का माइंड भी, मेल की बॉडी भी कंट्रोल में मतलब बहुत कम आती है। उनका जो कंट्रोल है ना, वो अपनी बॉडी पर बहुत ही कम होता है। और ये एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ होता है। बहुतों के साथ हमने सुना है बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों की आती हैं कि भाई हम सफ़र कर रहे थे और हमारे साथ में ऐसे एक ओल्ड एज की लेडी खड़ी हुई थी और भीड़ भाड़ में उसके साथ ही टच हुए और मेरा वहीं पर हो गया। तो देखिए, उनको कोई बीमारी नहीं थी, वो तो उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहे थे। बट जेंट्स का जो मतलब बॉडी का जो सिस्टम होता है, उनकी जो माइंड होती है ना, वो उस चीज़ को जल्दी कलेक्ट करती है, जल्दी अपने अंदर घुसाती है। और जैसे ही माइंड में कोई चीज़ आई, जैसे ही आपकी बॉडी से कोई दो बार टच हुआ, तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं। और एक्साइटमेंट में देखिए, फीमेल की एक्साइटमेंट छुपाना इजी है, बट मेल का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो जब एक्साइटेड होते हैं तो उनका डिस्चार्ज होना ही है। वो डिस्चार्ज हुए बिना कभी शांत नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने आपको टच किया और आप फिर से वो इधर चली गई तो आप एकदम से नॉर्मल होके खड़े हो जाओगे। ऐसा बहुत कम, आई थिंक नहीं ही होता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई इलाज की ज़रूरत आपको नहीं है। बस अपने मन को शांत रखिए और अपनी ये जो प्रॉब्लम है किसी के साथ शेयर कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी। बिकॉज जब आप इसके बारे में बातें करेंगे ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉल्व हो जाएगी। आप जो अपने मन में ख्याल मतलब ख्याली पुलाव जो पकाते रहते हैं ना, वो कम हो जाएंगे। और शेयर करने के बाद बहुत बातों का जो है वो सॉल्यूशन निकल जाता है, तो आपका भी निकल जाएगा। तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए। देखिए, मैंने बहुत ही इसके बारे में सोचा, बहुत इसके बारे में देखने की कोशिश की, तभी मैं आपको ये चीज़ रिप्लाई कर रही हूँ। तो डोंट वरी, ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है। मोस्टली मेल्स के साथ यही सब होता रहता है, जहाँ लड़के थोड़ी सी मतलब अपनी 10th क्लियर करते हैं 9th के बाद, 10th में, 11th 12th में। बॉयज़ के साथ, मेल्स के साथ ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अट्रैक्शन भी नॉर्मल है और अट्रैक्शन में एक्साइटेड होना भी नॉर्मल है, और उस एक्साइटमेंट में आपका ऐसे डिस्चार्ज हो जाना भी नॉर्मल है। तो यहाँ पर थप्पड़ की बात नहीं आती है, चांटे की बात नहीं आती है, सिर्फ उनका टच था। बिकॉज आपने ये चीज़ कभी सोची ही नहीं थी कि वो आपको टच करेंगी, और उस टाइम आप एक्साइटेड हो चुके थे और जहाँ आपको चांटा लगा वहाँ आपकी जो बॉडी है वो पूरी झंझना गई। आपको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, और एकदम से वो जो सुन आपका शरीर खड़ा हुआ था ना, मतलब डर के मारे ऐसे आप एकदम शांत खड़े थे। जैसे ही उनके चांटे आपको पड़ते हैं तो आपकी बॉडी एकदम से रिएक्ट करती है। जैसे बच्चे जब ज़्यादा डर जाते हैं उनका पैंट में शिशु निकल जाता है, तो सेम वही चीज़ मेल्स के साथ मतलब बड़े लोगों के साथ हो जाती है। तो दिस इज़ नॉर्मल, नॉट टू
मतलब कि ऐसा कि भाई हाँ आप डर जाओ। तो आपको मेरा सजेशन कैसा लगा प्लीज बताइएगा, बिकॉज मेरे को जो पता था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कमेंट कीजिएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। और अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।